जहाँ पर अभी हम हैं एंड हमें कहाँ तक जाना है. सो इट ब्रिजेस द गैप्स बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स. मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ न्यू सीरीज को लेके. सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 12, जिसमें हम न्यू सेशन को कवर करेंगे 2023 एंड 2024. तो चलिए देख लेते हैं. सो गाइज, यूनिट नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, यानी कि हम स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. सेकेंड टॉपिक है हमारा वेरियस कमिटीज, इसमें हम अलग अलग कमिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्पोर्ट्स में जो कमिटीज पार्टिसिपेट करती हैं उनके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट ये रखा है फिक्स्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिक्स्चर्स डेफिनेटली एग्जाम में आता है, आपको ड्रॉ भी करने होते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं. आगे दे रखा है इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट. नेक्स्ट दे रखा है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम. सो ये 5 टॉपिक हम इस सीरीज में करने वाले हैं. सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं. प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. तो चलिए आगे शुरू करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट एंड मैनेजमेंट. सो गाइज, ये जितने भी वीडियोज हैं ये अगेन 2023 और 24 को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, विच मीन्स आपके न्यू सेशन को ये कवर करेंगी. सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, किस तरीके से जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं उसको मैनेज करा जाता है. तो हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. आपके घर में एक वेडिंग है, वेडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. आपको गेस्ट लिस्ट बनानी होती है, आपको वेन्यू डिसाइड करना होता है, आपको केटरिंग का देखना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो आप वेडिंग के लिए भी प्लानिंग करते हैं पहले से, फिर आप एलोकेट कर देते हैं कि ये वाला काम मेरे मामा जी देख लेंगे, ये वाला काम मेरे ताऊ जी देख लेंगे. सो आपने क्या कर दिया, आपने एलोकेट कर दिया काम को और फिर जाके वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाता है. सो इसी तरीके से अगर आप एक स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी सारी चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं. आप देखते हो इतने बड़े लेवल पर क्रिकेट खिलाया जा रहा है, सो एकदम से हो गया, उससे पहले बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और पूरी तरीके से प्लान करा जाता है, मैनेज करा जाता है. उसी को हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोलते हैं, कि किस तरीके से स्पोर्ट्स को खिलाने से पहले सारी चीज़ें मैनेज करी जाएंगी, विच इज़ नोन एज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. अब किस तरीके से करा जा सकता है, सो यहाँ पर दे रखा है हमें 5 स्टेप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं. सो गाइज, हम डेफिनेशन देखेंगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की. इट कैन बी डिफाइंड एज द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट टू अचीव इट्स गोल. आप अपने रिसोर्सेज का इतने अच्छे से यूज कर रहे हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाए, विच मीन्स आपके पास रिसोर्सेज है, आप उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, ताकि जो आपके गोल्स हैं, जो आपके स्पोर्टिंग इवेंट का एक गोल है, आप उसको आराम से अचीव कर पाओ. नेक्स्ट आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क ऑन योर ओन एंड गेटिंग द वर्क डन बाय अदर, विच हेल्प इन कंडक्टिंग द स्पोर्टिंग इवेंट इन अ बेटर वे. विच मीन्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है, या तो आप काम को खुद कर लो या किसी और की मदद ले लो, और इससे आपके स्पोर्टिंग इवेंट में हेल्प मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से वो सारा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाएगा. सो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं. सो गाइज, हम प्लानिंग के बारे में देख लेते हैं. सो प्लानिंग जो है वो फोरमोस्ट फंक्शन है, यानी कि सबसे पहला फंक्शन जो होता है किसी भी स्पोर्ट्स को मैनेज करने में वो प्लानिंग होता है. इसमें दिमाग का, हमारी बौद्धिक क्षमता का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. उसके बाद बता रखा है मेक स्ट्रैटेजी, हम इसमें स्ट्रैटेजी बनाते हैं. आगे दे रखा है प्री डिटरमाइंड प्रोसीजर दैट टेल अस व्हेन, वेयर, हाउ, हुम अ पर्टिकुलर टास्क वुड बी अकॉम्प्लिश्ड. यानी कि एक प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है जिसमें हम पहले से ही सोचते हैं कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, उसके बारे में हम स्टेप्स बनाते हैं. सो बेसिकली अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, सो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, कि कहाँ पर अभी हम हैं एंड हमें कहाँ तक जाना है. सो इट ब्रिजेस द गैप्स बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, यानी कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर हमें जाना है, वो ब्रिज का काम करता है और इसकी मदद से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं. आगे यहाँ पर बता रखा है, डेफिनेशन दे रखी है प्लानिंग के स्पोर्ट्स में, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मीन्स दैट ऑर्गेनाइजिंग अ गेम और इवेंट, इसमें हम गेम और एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, इज अ प्रोग्राम डिजाइन फॉर द फ्यूचर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके, विच मीन्स हम इसमें अपने स्पोर्ट्स के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं
ताकि हम उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करा सकें और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसमें हम पहले एडवांस में सोचते हैं किस तरीके से हमने करना है और किस तरीके से हमने चलना है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर प्लान बनाए जाते हैं और इसमें हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो गाइज, अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे प्लानिंग के। सो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं और सारे रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल होता है, वेस्टेज नहीं होती है। सेकंड दे रखा है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम। आपका जो इवेंट है वो बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करवा दिया जाता है अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है। सो प्लानिंग जो है वो आपके इवेंट्स को बेहतरीन तरीके से करवाने में हेल्प करवाता है। आगे दे रखा है इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। भाई प्लानिंग है, मेरे को पता है कि मुझे ये वाला काम करना है, उसके बाद मैंने ये वाला काम सामने वाले को दे देना है। सो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन पता है कि हमारा काम हो जाने के बाद हमें किसके पास जाना है और किसको हैंड ओवर कर देना है। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बनी होती है कि ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा। सो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होती, काम पड़ा नहीं रहता है, काम चलता रहता है। कॉस्ट रिडक्शन, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है, आपके खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा सामान होता है आप उसको भी यूज कर लेते हो कि यहाँ से जो सामान बचेगा वो हम यहाँ लगा देंगे। सो आपने प्लानिंग करी तभी तो आपको पता चला कि यहाँ पर सामान बचने वाला है। सो यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। हेल्पिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्लानिंग जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट दे रखा है इनोवेशन। हाँ जी, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, अलग अलग थॉट्स आएंगे, अलग अलग चीज़ों से आप उसको करने की सोचोगे। सो एक एग्जांपल लेते हैं, एक पिक्चर है बैंड बाजा बारात। वहाँ पर क्या होता है, वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम क्लाइंट्स को लेके आएंगे, किस तरीके से हम अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से हम अचीव करेंगे अपने गोल को। सो यहाँ पर प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ये सेकंड स्टेप होता है प्लानिंग के बाद, विच मींस पहला स्टेप प्लानिंग था, यहाँ पर सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, विच मींस जो हमने प्लान डिसाइड कर रखे हैं उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं और हम अलग अलग इंसान में बांट देते हैं। देखो, जो प्लानिंग होती है वो एक इंसान नहीं कर पाता है, सारा काम एक इंसान कर ले विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमने क्या करा, हमने प्लान्स जो बनाए थे उसको अलग अलग इंसान अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म डिपार्टमेंट। हम ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट बनाते हैं और जो हमने प्लान कर रखा होता है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। सो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, प्लान को एग्जीक्यूट करा जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू। आगे दे रखा है डिटरमाइन द टाइप ऑफ जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव देयर गोल। हर एक इंसान को पता होता है कि उसकी जॉब क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसको हेल्प मिलती है अपने गोल को अचीव करने में। सो हमने क्या करा ऑर्गेनाइजिंग में, हमने जितने भी प्लान्स करे थे उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, अलग अलग इंसान को दे दिए कि आपका काम ये है, मामा जी आप फूल वाले के पास जाएंगे, ताऊ जी आप केटरिंग वाले को संभाल लेना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को उनका उनका काम दे दिया, वो अपना अपना काम करेंगे। सो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स फॉर्म डिपार्टमेंट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। सो गाइज, अब हम बात करेंगे स्टाफिंग के बारे में। सो स्टाफिंग का बेसिकली मतलब होता है आपने मोस्ट सुटेबल पर्सन को ढूंढना है, विच मीन्स जो एक काम के लिए बेहतरीन इंसान होगा उसको वहीं पे आपने डालना है। अगर एक इंसान है जो पोस्टर बनाने में बहुत अच्छा है तो मैं उसको पोस्टर वाला ही काम दूं, ये स्टाफिंग इंश्योर करती है पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, विच मीन्स जो इंसान जिस काम में अच्छा है उसको उसी जॉब में डालना है, ये स्टाफिंग बोलती है। सो अगर एक इंसान पोस्टर बनाने में अच्छा है तो मैं उसको पोस्टर का काम ही दूंगी। अगर एक इंसान कैमरे के थ्रू हर चीज कैप्चर में अच्छा है तो मैं उसको कैमरे वाला काम दूंगी। सो पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, मोस्ट सुटेबल पर्सन को उसका काम देना, ये स्टाफिंग कहता है। आगे दे रखा है हमने अपॉइंट करना है स्टाफ किस बेसिस पे, उनके पास स्किल कितनी है और नॉलेज कितनी है, ये सारा काम स्टाफिंग के अंदर ही आता है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग के बारे में। सो डायरेक्टिंग का मतलब होता है प्रोवाइड डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, जो आपके लीडर्स होते हैं, विच मींस डायरेक्टिंग में हम मेनली बात करते हैं उस इंसान की जो लीडर की तरह काम कर रहा होगा। आपने प्लानिंग करी, आपने डिपार्टमेंट में वर्क को बांट दिया, अब हर एक डिपार्टमेंट का एक लीडर होगा जो मोटिवेट कर रहा होगा। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया है शादी का, जिसमें हमारा जो हेड होगा जो हर एक चीज़ को मैनेज कर रहा है, ठीक है, प्लानिंग करी उसने, फिर डायरेक्टिंग भी करवा दी, वो जो हेड है
उसको हम बोलते हैं लीडर। उसका काम क्या होता है, वो पहली चीज सुपरवाइज करेगा हर काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड चीज जितने भी बाकी मेंबर्स हैं उन्हें मोटिवेट करेगा कि भाई तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ले आओ सामान ले आओ। सो यहाँ पर मोटिवेट कौन कर रहा है, वो लीडर कर रहा है। नेक्स्ट जो है लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। लीडरशिप वो होता है जो सबको साथ में लेके चलता है, सिर्फ अपना क्रेडिट नहीं लेता, सबको देता है क्रेडिट, वो असली लीडर होता है। लास्ट कम्युनिकेशन, जो सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, उनको मोटिवेट कर रहा होगा, उनको बता रहा होगा क्या सही है क्या नहीं है, और लोगों को पैनिक होने से बचा रहा होगा, लोगों की मुसीबत में मदद कर रहा होगा उनको मोटिवेट करके। सो डायरेक्टिंग क्या है, ये हमें डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन किसके थ्रू मिलती है, लीडर होता है जिसके अंदर लीडिंग करने की एबिलिटी होती है। वो लोगों को चार तरीके से प्रमोट करता है, पहला है सुपरविजन, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप, एंड फोर्थ वन इज कम्युनिकेटिंग। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो गाइज, अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग इंश्योर करती है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म करी जा भी रही है या नहीं जा रही। अभी हमने डायरेक्टिंग में देखा कि लीडर जो है वो मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग में जो काम हो गया है उसको रिव्यू करा जाता है कि वो काम ठीक से हुआ भी है या नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको हर्ट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसमें सक्सेस को मॉनिटर करा जाता है कि जितने भी काम हुए हैं अभी तक वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बेनिंग, तो ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली एग्जाम में आता है, जिसमें वेरियस कमिटीज के बारे में पूछा जाता है। सो क्या है ये कमिटी और किस चीज़ में हेल्प करती हैं। सो स्टूडेंट, हमने ये देखा कि जब भी हम स्पोर्ट्स इवेंट कराते हैं तो एक इंसान तो नहीं करा सकता है, उसमें बहुत सारी कमिटीज का रोल होता है, और बहुत सारी कमिटीज का होना बहुत ज़रूरी है जो कि इवेंट को काफ़ी अच्छे से संभाल लेती हैं और दिक्कत नहीं होती है। अब कौन सी कमिटीज़ हैं ये, वो हम देखेंगे। सो सबसे पहले आ जाता है पब्लिसिटी कमिटी। पब्लिसिटी कमिटी वो कमिटी है जो लोगों को अवेयर कर रही है कि भाई यहाँ पर इस स्टेडियम में स्पोर्ट इवेंट होने वाला है और आप लोग आ जाओ। सो बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट का काम करती है, लोगों को अवेयर करती है कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवा दिया गया है और आपने इस तारीख को इस समय तक यहाँ पर पहुँचना है। सो बेसिकली पब्लिसिटी कमिटी एडवर्टीजमेंट का काम करती है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमिटी। फाइनेंस का मतलब ही समझ आ रहा है, मनी। सो फाइनेंस कमिटी ये बताती है कि कितना पैसा खर्च होने वाला है, किस तरीके से हम करेंगे, और कितनी कमिटीज को कितना कितना पैसा दिया जाएगा। सो बेसिकली फंड एलोकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमिटी करती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कमिटी। ट्रांसपोर्टेशन कमिटी जो है वो प्लेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अगर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो एयरपोर्ट से आए हैं तो उनको होटल्स तक लेके जाएगी, देन होटल से उनको उस स्टेडियम में लेके जाएगी जहां पर स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है। सो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन कमिटी का। किसको लेके जाती है, स्पोर्ट पर्सन और उनके साथ जो आए हैं लोग उनको लेके जाएगी। और किसकी मदद से लेके जाती है, व्हीकल्स हो सकते हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू वो लेके जा रही है। नेक्स्ट दे रखा है बोर्डिंग एंड लॉगिंग कमिटी। अगेन यहां पर एकोमोडेशन की बात होगी, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको किस तरीके से रखा जाएगा, किस होटल में रखा जाएगा, फूड किस तरीके से मिलेगा, वो सारी चीजें, उनके सामान का देखभाल, ये सारी चीजों की जिम्मेवारी इनकी होती है। फूड, उसके साथ साथ होटल कैसे होंगे और उनके सामान की देखभाल, ये कमिटी करती है। नेक्स्ट दे रखा है रिसेप्शन कमिटी। अगेन ये वेलकम का काम करती है, अगर जितने भी प्लेयर्स हैं वो आए हैं तो उनका तिलक करना है, उनको माला पहनानी है, नहीं उनको मीठा खिलाना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, रिसेप्शन कमिटी। ये वेलकम का काम करती है, प्लस उनका जो लगेज वगैरह है उनका भी देखभाल करती है। नेक्स्ट दे रखा है फर्स्ट एड कमिटी। अब कोई प्लेयर खेल रहा है, भाई खेल रहा है, स्पोर्ट्स में चोट लगती रहती है, तो ज़्यादा सीरियस चोट ना हो जाए, अगर चोट लगी है तो इंस्टेंट उसको कुछ क्योर मिल जाए, वो इंश्योर करती है फर्स्ट एड कमिटी, वहीं पे खड़ी रहेगी। अगर किसी प्लेयर के चोट लगती है तो उसको सीधा वहाँ पर ले जाया जाता है या वो खुद अपनी अटैची लेके जाएंगे और उसकी क्योर कर देते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ आया। नेक्स्ट है प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी। सो गाइस, अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, आपको प्लेग्राउंड भी क्लीन चाहिए होता है। सो ये सारी देखभाल कौन करता है, अगेन प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी करती है। अगर एक स्पोर्ट पर्सन को क्रिकेट खेलने के लिए बैट चाहिए, बॉल चाहिए, ये सारी चीज़ें इंश्योर कराना
कि उस समय इन सब चीज़ों की दिक्कत ना हो, इक्विपमेंट पूरे हो, जो भी एक क्रिकेटर को चाहिए वो सारी चीज़ों का देखभाल करती है प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। सो गाइस नेक्स्ट है अनाउंसमेंट एंड पब्लिसिटी कमेटी। सो बेसिकली जितने भी स्पोर्ट इवेंट होते हैं, सो आपने देखा होगा कमेंटेटर होते हैं जो हर एक चीज़ को बता रहे होते हैं कि इस प्लेयर ने सिक्सर मारा है, इसने 4 रन्स लिए हैं। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा होता है? अनाउंसमेंट कमेटी दे रही होती है, जो बेसिकली लोगों को बता रही होती है कि किस तरीके से प्लेयर्स मैदान में खेल रहे हैं, टाइम को लेके, हर चीज को लेके कि लंच ब्रेक हो गया है, कुछ हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को कम्युनिकेट होती है तो वो अनाउंसमेंट कमेटी के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट दे रखा है प्राइज एंड अवार्ड कमेटी। अब अगर मैचेस चल रहे हैं, एंड हो गया है, तो डेफिनेटली कोई जो टीम है वो विजय हुई होगी और उनको प्राइज मिलते हैं। सो वो प्राइज इंश्योर कराना कि समय से मिल जाए वो कौन कराएगा? प्राइज एंड अवार्ड कमेटी, कि भाई इंडिया जीत गई है, इंडिया को जो है कप मिलना है, तो वो कप की अरेंजमेंट कौन करेगा ये वाली कमेटी करेगी, और कौन देगा वो भी पहले से डिसाइडेड होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक स्पोर्ट्स को खेलने में इतनी सारी कमिटीज का योगदान होता है और ये सारी ही कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन। कि इंट्रामुरल जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब जो है इंट्रा एंड मुरालिस। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और मुरालिस मतलब होता है वॉल, यानी कि एक ऐसा गेम खिलाया जा रहा है जो विद इन अ वॉल खिलाया जाएगा, यानी कि चार दीवारी के अंदर कोई गेम को खिलाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रामुरल। आपके स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते होंगे, आपके स्कूल में हाउसेज वाइज बच्चों को डिवाइड करा जाता है, जिस बच्चे को रेड शर्ट मिलती है, पर्पल, ब्लू, इस तरीके से शर्ट दी जाती है, तो इस तरीके से बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है उनके शर्ट के बेसिस पे, टीम ए, टीम बी, टीम सी, और वही स्कूल के बच्चे आपस में कंपीट करेंगे स्कूल के अंदर ही, उस स्पोर्ट को हम बोलते हैं इंट्रामुरल। यानी कि एक ऐसा स्पोर्ट जो स्कूल की दीवारों के अंदर खिलाया जा रहा है और स्कूल के स्टूडेंट्स ही खेल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रामुरल। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन विद इन द 4 वॉल, यानी कि कॉम्पिटिशन जो होगा वो 4 दीवारी के अंदर अंदर होगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंट्रामुरल रेफर टू द कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज कंडक्टेड विद इन द स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ देयर ओन स्कूल, यानी कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि स्कूल द्वारा कंडक्ट कराई जाती है स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल के अंदर ही। सो आई होप आपको समझ आया होगा, इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन वो कॉम्पिटिशन होता है जो स्कूल के बच्चे स्कूल के अंदर ही खेलते हैं, वो अपने आप को स्कूल की हाउस टी शर्ट के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी, और स्कूल के बच्चे स्कूल के अंदर ही स्पोर्ट्स को खेलते हैं, स्कूल से बाहर का बच्चा कोई भी अलाउड नहीं होता है। सो गाइज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन। जब हम कोई भी स्पोर्ट्स खिलाते हैं तो बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका फिजिकल, सोशल, मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। किसी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अगर स्पोर्ट्स की वजह से हो जाता है उसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट बता रखा है स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट। स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करे, उसमें पार्टिसिपेट करे, विच मीन्स अगर मेरे स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है और मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट तो लेना ही लेना है, प्लस सारी चीज़ें मैनेज भी बच्चे ही करते हैं, यानी कि सारी पावर, सारी चीज़ें सीखने के लिए किसके हाथ में दे दी है? बच्चे के, कि आप ऑर्गेनाइज भी करो और पार्टिसिपेंट भी आप ही हो। सो यहाँ पर क्या होगा ना, स्कूल के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबका डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बाहर खेलने जाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ सिलेक्टेड बेस्ट स्टूडेंट्स को ही भेजा जाता है, लेकिन इंट्रामुरल में एक फ़ायदा है कि हर एक बच्चे को चॉइस दी जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंगली स्पोर्ट्स को चूज करे जिसमें वो बेहतर है। सो यहाँ पर दे रखा है कि पार्टिसिपेंट्स भी वही होंगे और ऑर्गेनाइज भी वही करेंगे इवेंट को। सो इसके मेन ऑब्जेक्टिव मैंने नीचे लिखे हैं, पहला है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, यानी कि हर एक बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर किसी का वॉलीबॉल, फुटबॉल, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स खेल सकता है। बस यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि स्कूल में हो रहा है तो सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स ही चुने जाएंगे, हर एक बच्चे को मौका दिया जाता है कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो भी अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है स्पोर्ट्स में। आगे बता रखा है अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्किल ऑफ द गेम, इनफैक्ट गेम्स की जो भी स्किल्स होती हैं वो
वो सीख सकता है कि किस गेम को कैसे खेला जाता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं और मैं भी इसको खेल सकता हूँ। आगे दे रखा है डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज। भाई जब बच्चा खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहा है, खुद ही पार्टिसिपेंट भी बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक लीडर बनेगा, वो टीम के साथ चलेगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगी, कोलैबोरेशन बढ़ेगा, ये सारे फायदे देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे दे रखा है मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। इनफैक्ट बच्चों को एक मोटिवेशन मिलती है इन छोटे छोटे गेम्स से कि मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी अच्छा प्लेयर हूँ, मैं भी बेहतर दिखा सकता हूँ। और वो हो सकता है कि बाहर जो दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें भी बेहतर कर जाए। सो एक मोटिवेशन स्पिरिट डेवलप हो जाती है। आगे दे रखा है एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, प्लस उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि किस तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज करा जाता है, मैनेज करा जाता है, अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं और फिर अच्छे से एक इवेंट होता है। एक इवेंट को कराने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, उस चीज का रियलाइजेशन एक बच्चे को पता चल जाता है जब वो इंट्रामुरल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा। सो गाइस, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन की। सो यहाँ पर दे रखा है कि इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है, विच मीन्स बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है तो वो खेलना शुरू कर देता है और जब उसको बाद में भी मौका मिल रहा है तो उसकी हैप्पीनेस का ठिकाना नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, प्लस वो बहुत ज़्यादा शांत भी रहेगा, उसको पीस मिलेगी कि हाँ भाई मुझे भी मौका दिया गया, मैं भी बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट मुझे एक चांस मिला, और बच्चा अपने आप को बेहतर बना लेगा। सो ये चीज़ है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है, मेंटली सोशली और फिजिकली बच्चा डेवलप कर जाता है जब वो पार्टिसिपेट करता है। प्लस यहाँ पर दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज, बच्चे के अंदर ना मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं, मतलब कि संस्कार बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। कैसे डेवलप होंगे, जैसे वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हो जाएगा, टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, जब हम खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में लग भी जाते हैं किसी बच्चे के, तो वो अपने टॉलरेंस पे काम करेगा और अपने टॉलरेंस लेवल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लेगा, रिस्पेक्ट करता है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की रिस्पेक्ट करता है कि भाई ये कितना बढ़िया खेल रहा है, टाइम मैनेज करना सीख जाएगा कि मेरे को इतने रन इतने टाइम में बनाने ही बनाने हैं, तो वहाँ पर ना टाइम मैनेजमेंट भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा है एंटरटेनमेंट, भाई बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने क्लासमेट को चीयर करते हैं। अब हमारे साथ क्या होता था कि हम तो साइड में खड़े हो जाते थे और जो हमारी क्लास के बॉयज हैं जब वो भागते थे तो हम बोलते थे देखना कैसे भाग रहा है वो। सो हमें ना एक फन फैक्टर भी मिल जाता था, हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता था और कई बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करके निकल जाते थे। सो यहाँ पर यही है कि इंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं एंटरटेन हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स को देखते हुए और उसके साथ साथ चीयर भी करते हैं। और गाइस हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन के बारे में। हमने इंट्रामुरल में ये देखा कि जब कॉम्पिटिशन स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है और स्कूल के अंदर हो रहा है उसको हम इंट्रामुरल बोलते हैं। एक्स्ट्रामुरल में क्या होता है कि बच्चे बाहर दूसरे स्कूल में जाके कॉम्पिटिशन करेंगे, विच मीन्स दो स्कूल के बीच में या दो से ज़्यादा स्कूल के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन होने वाला है, अलग अलग स्कूल के बच्चे आपस में आके कम्पीट करते हैं और एक स्कूल जो होगा वो कंडक्ट करा रहा होगा स्पोर्ट्स इवेंट को, उसको होस्ट स्कूल बोलेंगे और बाकी सारे स्कूल के पार्टिसिपेंट्स आएंगे और वहां पर अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। सो यहां पर दे रखा है स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कंडक्टेड बिटवीन टू और मोर स्कूल, ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जो दो या दो से ज्यादा स्कूल के बीच में होता है उसको हम एक्स्ट्रा मुरल कॉम्पिटिशन कहते हैं। आगे दे रखा है इसका एग्जाम्पल है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सो आपके स्कूल में भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुए होंगे जिसमें आपके स्कूल के बच्चे बाहर जाके दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स, सो बेसिकली बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने स्किल्स को दिखा सकें कि उनके अंदर भी कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम स्ट्रैटेजी, जब बच्चे दूसरे स्कूल के साथ कंपीट कर रहे होते हैं तो वो दूसरे स्कूल की स्ट्रैटेजी को समझ रहे होते हैं कि वो कैसे खेल रहे हैं, उनका कोच उन्हें कैसे सिखा रहा है। सो वो सब चीज़ें ना अपने अंदर भी डेवलप करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर जाके स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं। आगे दे रखा है डेवलप रिलेशनशिप, अलग अलग स्कूल के बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो देखते हैं कि वो प्लेयर कितना अच्छा खेल रहा है, चलो मैं उससे जाके बात करता हूँ, उसकी स्ट्रैटेजी को समझता हूँ, तो वो अपनी फ्रेंडशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब बच्चों के बीच में फ्रेंडशिप होगी तो स्कूल ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएगा। नेक्स्ट ये रखा है डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द स्कूल, जब हमने देखा कि भाई सामने वाला स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें ना अंदर से उन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है कि कितना बढ़िया स्कूल है ये। सो यहां पर रिस्पेक्ट डेवलप होती है
स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द लेवल ऑफ प्ले. सो बेसिकली उनको अपना लेवल पता चलता है कि देखो हम स्कूल के बच्चों के साथ तो ऐसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो ऐसा परफॉर्म करता है. सो एक लेवल ऑफ कंपैरिजन और ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि वो अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं. प्लस जो प्रेशर क्रिएट होता है ना बाहर जाके, उसको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से खेलना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं. और बच्चा अगर बाहर जाके खेलता है एक प्रेशर के साथ साथ ना, वो बहुत बेहतर हो जाता है. हो सकता है वो नेशनल और ओलंपिक्स में जाके भी खेल पाए आराम से, क्योंकि उसको प्रेशर झेलने की आदत हो जाती है. सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. आगे हम इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन. सो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंस बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है कि एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है. सो स्टूडेंट यहाँ पर बता रखा है अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेशन. सो बेसिकली बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पार्टिसिपेट कर सके और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सके और अपने आप को और बेहतर बना सके. नेक्स्ट दे रखा है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. सो भाई जब हम बाहर जाके खेल रहे हैं, दूसरे स्कूल के साथ कंपीट कर रहे हैं, तो एक प्रेशर भी होता है, प्लस एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट की बात होती है कि अपने स्कूल को बेहतर प्रदर्शन करना है. सो एक बच्चे के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को वो किस तरीके से लेता है कि अपने स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा कर लेता है, मेहनत करता है अपने ऊपर. सो यहाँ पर यही चीज़ बता रखी है कि इम्प्रूव हो जाती है उसकी परफॉर्मेंस. कैसे हो जाएगी? एक तो भाई रिस्पेक्ट की बात है स्कूल की, ठीक है, क्योंकि दूसरे स्कूल के साथ हो रहा है, प्लस अपने स्कूल की मान सम्मान को बरकरार रखना है और उसके फ्रेंड्स भी उसको चीयर करते, तो वो कहते हैं मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा. सो यहाँ पर यही चीज़ है कि परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा काम करा जाता है, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है हार्डवर्क करके. आगे दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गेम्स टेक्निक. भाई अलग अलग स्कूल में अलग अलग गेम अलग अलग तरीके से खिलाए जाते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट भी होते हैं. सो जब हम दूसरे स्कूल को देखते हैं कि भाई वो इस टेक्निक, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, तो हम अपने अंदर भी उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं और अवेयर करते हैं अपने आप को और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड कर देते हैं. सो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा. हमने इंट्रामुरल काफ़ी अच्छे से समझ लिया, एक्स्ट्रामुरल समझ लिया. अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूंगी. लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बाकी सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से जाके देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाए. स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है और इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं. आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. तो चलिए अब शुरू करते हैं. सो टॉपिक है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम. सो कम्युनिटी मतलब क्या होता है? विच मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर लोगों के समूह के बारे में बात हो रही है. सो हम लोगों के समूह के साथ एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम आयोजित कराने वाले हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? लोगों को अलर्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, चैरिटी फंड कलेक्ट करने के लिए और किसी कॉज को प्रमोट करने के लिए. उसी के साथ साथ कई लोग जो हैं वो फन के लिए भी भागते हैं. सो चलिए अब देख लेते हैं. सो यहाँ पर लिखा हुआ है अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए कि फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं. मेनली चैरिटी पर्पज़ के लिए मैचेस करवाए जाते हैं क्रिकेटर और एक्टर्स के बीच में, और जितना भी फंड होता है उसको दान कर दिया जाता है. आगे दे रखा है रन फॉर कॉज, किसी कॉज के लिए लोग भाग रहे हैं. यहाँ पर विनर और लूजर पता नहीं करना है, यहाँ पर पार्टिसिपेंट बनने के लिए लोग जो है वो कुछ अमाउंट पे करते हैं और उस अमाउंट का यूज करा जाता है कॉज के लिए. आगे दे रखा है यूनिटी, लोगों के बीच में यूनिटी प्रमोट करने के लिए कि हम सब लोग एक ही देश के नागरिक हैं, इसलिए इसका आयोजन कराया जाता है. यानी कि लोग मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रनिंग का या स्पोर्ट्स का हेल्प लेते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करें, मस्ती में पूरा दिन निकल जाए, इसीलिए रन फॉर फन भी होता है. आगे दे रखा है इसको ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं करवाया जाता कि हमें पता चल जाए कि विनर कौन है और लूजर कौन है. यहाँ पर विनर लूजर डिसाइड नहीं करना है, यहाँ पर हम जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं ना उससे हम अपनी सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं. सो गाइस कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम की हम सब हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स डे. तो क्या आपके स्कूल में कभी स्पोर्ट्स डे हुए हैं? स्पोर्ट्स डे में होता क्या है रिकॉल करो. आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं? एक पर्टिकुलर डेट चुनी जाती है जिसपे स्पोर्ट्स डे का आयोजन कराया जाता है कि इस दिन जो है स्पोर्ट्स डे होने वाला है. स्पोर्ट्स डे में होता क्या है, स्कूल के ही बच्चे
आपस में कम्पीट करते हैं अलग अलग गेम्स के थ्रू, और उसी दिन स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स डे के फायदे क्या हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा सोशली फिजिकली मेंटली फुल्ली डेवलप हो जाता है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएंगी उसकी अगर वो स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड चीज़ जो स्कूल है वो भी इंश्योर करता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि हर एक बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाए। आगे दे रखा है फिजिकल एक्टिविटी, बच्चा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में और ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, उसकी बॉडी फिट होगी। नेक्स्ट दे रखा है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, और स्कूल के बच्चे जब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो और बेहतर निकलेंगे और वो दूसरे स्कूल्स के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं। आगे दे रखा है लीडरशिप क्वालिटी, अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डेफिनेटली अपनी टीम को चुनना, उसके बारे में डिसीजन लेना, ये सारी क्वालिटीज़ भी एक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगी। टीम के साथ चलना है, ये वाली एबिलिटी एक लीडर की क्वालिटी को दिखाती है। आगे दे रखा है यूनिटी टॉलरेंस फीलिंग, यानी कि एकजुटता बढ़ेगी, टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसी के साथ साथ फीलिंग एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है बच्चों के बीच में। आगे बता रखा है, देखो पहले क्या होता था कि आपके लिए करिकुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, विच मीन्स सिलेबस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। आजकल स्कूल जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी। इनफैक्ट जो हमारा NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो क्लियरली बोलता है कि आपको बच्चे को एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ विच मीन्स स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना है। सो यहाँ पर ये एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया है बच्चों के अंदर। आगे दे रखा है प्रोसीजर क्या है, कैसे हम स्पोर्ट्स डे को आयोजित कराएंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है, एक डे सुन लो और एक डेट चुन लो, उसके बाद ऑर्गेनाइज कमेटी को बिठा दो, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर देगी, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, सिस्टमैटिक ऑर्डर में सारे प्रोग्राम को करवा दो। ये तीन चार चीज़ें करके आपका स्पोर्ट्स डे जो है वो आयोजित करा दिया जाता है। सो आई होप आपको स्पोर्ट्स डे समझ आया होगा, जिसमें एक दिन चुन लिया जाता है और स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में कम्पीट करते हैं, उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है, उसी के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है, यूनिटी टॉलरेंस फीलिंग, ये सारी भावनाएं डेवलप होती हैं। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ रन। सो हेल्थ रन इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, यानी कि आप अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए भाग रहे हैं। आगे दे रखा है इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हेल्थ रन को वही ऑर्गेनाइज करवाता है। आगे दे रखा है एम क्या क्या है भैया, एम तो ये है कि लोगों को अवेयर करना है कि भागना बहुत जरूरी है, अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपकी रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दे रखा है हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, हेल्दी होकर जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हेल्थ रन में पार्टिसिपेट कीजिए। आगे दे रखा है अ पेयर ऑफ शूज एंड लाइट क्लोथ्स, चीजें क्या क्या चाहिए, आपको बस एक पेयर ऑफ शूज चाहिए यानी कि जूते की जोड़ी चाहिए और आपको हल्के कपड़े चाहिए। आगे दे रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्यों कराना चाहिए, बिकॉज जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रनिंग में उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलती है, और अगर वो रजिस्टर्ड रहेंगे तो उनको समय से सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाएंगी। आगे दे रखा है नो विनर और लूजर, इसका एम ये नहीं है कि हमें विनर घोषित करना है या किसी लूजर को बताना है, बिल्कुल भी नहीं, हमें विनर और लूजर नहीं ढूंढना है, हमने लोगों के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करना है, इसलिए रेसेस हो रही हैं ये। आगे रखा है नो एज लिमिट, कोई भी इंसान जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी एज का। आगे जो हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर देनी है वो ये है कि आप जब भाग रहे हैं तो टेंशन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्टली आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, ज़्यादा तेज तेज नहीं आपने सांस लेनी है, ठीक है। आगे दे रखा है रन सॉफ्टली, आराम से भागो। नेक्स्ट है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, आपने बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है रनिंग से पहले, आप बहुत ज़्यादा खाएंगे भी नहीं और रनिंग के दौरान भी नहीं खा सकते, रनिंग के बाद भी नहीं खा सकते, नॉर्मल फूड को इनटेक करके आपने भागना है ताकि आपको फूड पॉइजनिंग या फिर वॉमिटिंग जैसी दिक्कत ना हो। सो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा कि हेल्थ रन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कॉन्टिन्यूशन में और जीना चाहते हैं। सो हेल्थ रन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप हेल्थ रन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो गाइज थर्ड टॉपिक है रन फॉर फन, यानी कि हम फन के लिए भाग रहे हैं, और जनरली ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज होते हैं ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं,
या फिर अगर मैं बोलूं हमें अगर किसी के लिए चैरिटी इकट्ठा करनी है तो हम इस तरीके की दौड़ में भागते हैं। आगे दे रखा है कि रन फॉर फन जो है वो एंटरटेनमेंट और फन के लिए होता है, इससे लोगों की गुड हेल्थ प्रमोट होती है, उसी के साथ साथ हम चैरिटी को रेज कर सकते हैं, और अगर आप डे टू डे लाइफ या रूटीन वर्क से थोड़ा सा अलग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग हो आपकी लाइफ में, तो आप ऐसी रेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने रूटीन एवरीडे लाइफ को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रन फॉर फन। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। सो यहाँ पर रनिंग हो रही है लेकिन एक पर्पस की वजह से हो रही है, एक कॉज की वजह से हो रही है, और डिटेल में समझ लेते हैं। सो बेसिकली पहली चीज तो कॉज जो है वो नोबल होना चाहिए। आगे बता रखा है इसमें प्री डिटरमाइंड गोल और पर्पस होता है कि हम किसके लिए भाग रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या है, क्यों हम इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पहले से ही क्लियर होता है। आगे बता रखा है इसमें हम हेल्प करते हैं उन लोगों की जो सीरियस बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, HIV एड्स है, तो उनके लिए हम जो है इस तरीके की रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एक स्पेसिफिक कॉज बता दिया गया है और उसके लिए हम भाग रहे हैं, या हो सकता है कोई फ्लड इफेक्टेड पीपल हैं जो एक बाढ़ का शिकार बन चुके हैं, सो उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक रेस कर रहे हैं ताकि हम उनको चैरिटी दे सकें, या अर्थक्वेक में बहुत सारे लोग अपना घर गंवा चुके हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हम ऐसे रेसेस करते हैं। आगे दे रखा है पब्लिसिटी डन ऑन अ ह्यूज लेवल, इसमें पब्लिसिटी भी बहुत ह्यूज लेवल पे होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें और इस रेस का पार्ट बने और ज्यादा से ज्यादा चैरिटी कलेक्ट हो जाए। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज रन फॉर यूनिटी। यूनिटी आप लोग जानते ही हैं कि एकजुटता, यानी कि हम भाग रहे हैं ताकि हम सब जने जो हैं वो यूनिटी को प्रमोट कर सके, भाईचारे को प्रमोट कर सके। कोई भी इंसान को हम डिफ्रेंशिएट ना करें उनके रिलीजन को देखते हुए, उनके जेंडर को देखते हुए, उनके धर्म को देखते हुए, हम सबको इक्वल माने, इसलिए हम इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सो बेसिकली यूनिटी और पीस के लिए होता है लोगों के बीच में। अब वो लोग अपने देश के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन करता है, यानी कि बाहर के देश और अपने देश के बीच में एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करता है। आगे दे रखा है कई जो देश हैं वो अपनी देश की इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए इस रेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बता रखा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है प्लस रिले रेस भी हो सकती है, और इसका स्लोगन है We are one, हम सब एक हैं, और ये यूनिटी को प्रमोट करता है। सो इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस और आपको इसी तरीके से कंटेंट चाहिए और आपको समझ आ रहा है, सो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो, एंड आपका सपोर्ट हमें बहुत मैटर करता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।